हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। सुमन की रसोई टिप्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे अरहर की दाल, बिल्कुल अलग तरीके से बहुत टेस्टी दाल बनेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो यहाँ हमने ले ली है एक कटोरी दाल, इसे साफ करके हमें धो लेना है दाल को। तो लीजिए, दाल को 3-4 बार साफ पानी से हमने धो लिया है। अब इधर हम कुकर ले लेंगे, कुकर में दाल को हमें डालना है। अब इसमें हम डालेंगे 4 गिलास पानी। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ हम ले लेंगे 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच ले लेना है हल्दी पाउडर। अब जो मिर्ची काटी थी ना, तो वो हमें इसमें डाल देनी है। टमाटर डाल देंगे कटा हुआ इसमें, स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। अब हम कुकर को बंद करेंगे और इसमें ना 4 से 5 सीटी आने देंगे दाल में हम। तो लीजिए फ्रेंड्स, 5 सीटी आ चुकी हैं। अब कुकर को खोल के हम देख लेंगे दाल हमारी बनी है या नहीं। अब थोड़ा हम चला के देखेंगे इसे। अगर आपको थोड़ी सी दाल थिक लगे ना, तो इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हो। अब इसमें हमें डाल देनी है आमी, कच्ची आमी का ना फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अब इसमें थोड़ा हम डाल देंगे, 1/2 गिलास के करीब पानी, और इस तरह से चला के गैस पर रख के इसे थोड़ा और बनने देंगे हम। तो लीजिए फ्रेंड्स, दाल बन चुकी है। इस तरह से चला के देख लेंगे और इसका तड़का हम तैयार करेंगे। गैस को बंद कर देना है हमें। तो इधर हम पैन ले लेंगे, पैन में 2 बड़ी चम्मच हमने तेल लगा दिया है। तेल गर्म होगा तब तक यहाँ प्याज ले लेंगे, एक कटा हुआ प्याज लिया है। 2 लाल मिर्ची ले ली हैं तोड़ के, 2 लहसुन की कली काट के ली हैं, और थोड़ा धनिया ले लिया है। अब इधर तेल भी हमारा गर्म हो गया है अच्छे से। तो 1/2 चम्मच के करीब तड़का के लिए इसमें जीरा डाल देना है। जीरा को थोड़ा ब्राउन होने तक भुनने देना है। तो जीरा भुन गया है, अब इसमें लहसुन और प्याज डाल देना है। अब गैस को थोड़ा मीडियम कर देना है। इस तरह से चला के लहसुन और प्याज को हमें ब्राउन होने तक भून लेना है। तो प्याज और लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें लाल मिर्ची हमें डाल देनी है और इन्हें भी भून लेंगे हम चला के। बहुत टेस्टी दाल बनेगी फ्रेंड्स। एक बार इस तरह से बना के देखो, बहुत पसंद आएगी सभी को। तो देखिए, सारी चीज़ अच्छे से भून चुकी हैं। अब इसमें हमें दाल को डाल देना है। सारी दाल हम डालेंगे और अच्छी तरह से तड़का में दाल को हमें मिला देना है। गैस को हमें बंद कर देना है। अब इसमें थोड़ा हम डालेंगे धनिया पत्ती। आप चाहो तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हो, अगर आपको दाल में गरम मसाला पसंद है तो। अच्छी तरह से मिला देना है। तो लीजिए, दाल बन के है तैयार। आप भी इस तरह से अपने घर पे बनाइए, बहुत टेस्टी दाल बनी थी। तो इसे गर्मा गर्म चावल के साथ हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।